मीडिया वाले सारे गलत बोल रहे हैं, मीडिया वालों को तो कुछ भी बोलने के वो है कि कुछ ही बोल दें, लेकिन जो बात अपने आप हम महसूस कर रहे हैं या डेरे में रहते हैं हम लोग तो हमें पता ही। हम नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली वेल एजुकेटेड जो लड़कियां हैं उनके डेरा सच्चा सौदा के बारे में और डॉक्टर एमएससी के बारे में क्या विचार है। और सबसे खास बात ये है कि हम उनसे पूछेंगे कि डेरा सच्चा सौदा लड़कियों के लिए कितना सेफ है, लड़कियों को वहां पे किस नजरिए से देखा जाता है, यही चीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है मीनू इंसा। आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितने साल हो गए? मेरे को भी 20 साल। 20 सालों में कभी आपने डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं देखा, बिल्कुल मर्यादा में बहन बहन की, भाई भाई की। और हमें इतना गर्व है अपने पिताजी पे बहुत ज़्यादा कि जो वो उन्होंने नियम बनाए हैं उस पर सब लोग का मतलब नियम पालन कर रहे हैं बिल्कुल। और ये कि गरीबों की मदद आज भी उनका राशन का महीने का राशन दे दे के और जो भी गरीब है उनका इलाज करा के या कोई जैसी परेशानी होती है, मान लो कोई बहन है जिसको छोड़ रखा है उसकी भी हेल्प करना, मतलब हमारे सतगुरु ने जो सिखाया हम बढ़ चढ़ के उस चीज़ को आगे से आगे फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। और इतना नहीं कि और हमें जो सतगुरु ने हमारा जो पाठ पढ़ाया है उस पर हम बिल्कुल बरकरार चल रहे हैं। और इतना ही मर भी जाएंगे तब भी हमें इतना ही दृढ़ विश्वास है और विश्वास रहे और होता रहेगा। जो मीडिया में दिखाया है कि बहनों के साथ ऐसा होता था, मीडिया वाले सारे गलत बोल रहे हैं, मीडिया वालों को तो कुछ भी बोलने के वो है कि कुछ ही बोल दें, लेकिन जो बात अपने आप हम महसूस कर रहे हैं या डेरे में रहते हैं हम लोग तो हमें पता ही। हम हर महीने सेवा पे आते हैं यहाँ पे, महीने की महीने सेवा पे सफाई समिति में, कोई ऐसी मर्यादा कोई भंग नहीं करते कि जिसका कोई हिस्सा वो नहीं। आज भी आपको अपने गुरु पर विश्वास है? बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, पहले से दुगना है वो। जो गुरु जी ने कार्य सिखाया वो करते हैं आप? वो करते हैं, परमार्थ भी निकालते हैं 1 रुपये रोज का, और मतलब उससे मदद भी करते हैं जितने जितने हो जाए। शादियों में भी जो विधवा जो बहनें हैं जो गरीब बेटियों की शादियां होती है उसमें भी हमारी संगत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आज भी आप डेरा सच्चा सौदा जाते हो? हाँ जाते हैं, हर महीने आते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि आज भी ये पढ़े लिखे जो कि मीडिया इन्हें अंधभक्त कह रहा है, ये आज अपने विचार गुरुजी के बारे में किस तरह के रखते हैं और अंतिम समय तक डेरा सच्चा सौदा में जाने के लिए इन्होंने प्रण ले रखे हैं। क्यों? अगर आज लाखों लोग डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर है। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, क्या लाखों लोग गलत हो सकते हैं? ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि लाखों लोग गलत हो और वो भी पढ़े लिखे। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब सच कौन बोल रहा है और झूठ का बाजार कौन गरम कर रहा है, ये आप सोचो, विचार करो कि इस समाज में झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। दोस्तों, जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं ये वाकई में ही 100% सच है। आप लोगों के बयान सुन रहे हैं, बिल्कुल 100% सच है। हमारे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले।